इस दुनिया में एक ऐसा सेंटेंस है जिसने करोड़ों लोगों के सपने तोड़े हैं, यार मन नहीं कर रहा है। और एक ऐसा सेंटेंस भी है जिसने 1% लोगों को हद से ज्यादा सक्सेसफुल बनाया है, मन नहीं कर रहा है फिर भी करूंगा। ये होता है डिसिप्लिन। सिंपल वर्ड्स में, डिसिप्लिन वो ताकत है आपके अंदर जिसकी वजह से आप वो काम कर पाते हो जो आपको करने का मन नहीं है। ये एक ऐसी क्वालिटी जिसके बिना आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते, चाहे आपके पास जितनी भी नॉलेज, स्किल्स या नेटवर्क हो। बिना डिसिप्लिन के कंसिस्टेंटली एक्शन लेना इम्पॉसिबल है। लेकिन अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाना इतना मुश्किल क्यों होता है? हम सब के साथ होता है कि हम 75 हार्ड करते हुए लोगों को देखते हैं, सोचते हैं कि बस बहुत हो गया, अब मैं भी सबको कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। लेकिन फिर क्या होता है, एक हफ्ते में हवा निकल जाती है। ऑथर ऑफ द बुक पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन पीटर हॉलिंस का कहना है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं 5 रीजंस की वजह से। इन 5 रीजंस में एक कॉमन थीम है जो अगर आप समझ गए तो आप अनब्रेकेबल सेल्फ डिसिप्लिन बना पाओगे। पहला है गिविंग इनटू द 5 सेंसेस। हमारे 5 इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। अगर आपको मीठा खाने का एडिक्शन है और आपके सामने कोई केक रख दे तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन वहीं पर टूट जाता है, क्योंकि आपको उसकी टेस्ट और स्मेल बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जब आप एक बार उसको खा लेते हो, आपके सेंसेस सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब आपको फिर अपने आप से घिन आने लगती है और आप सोचते हो कि आज के बाद से मैं कभी मीठा नहीं खाऊंगा। ज़्यादा लोग अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसीलिए वो डिसिप्लिन नहीं होते हैं। सेकेंड है एनिमोसिटी एंड मैलेस। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग कुछ कर रहे हों उनकी कमियां ज़रूर निकालते हैं। कभी कभी हम सब में ये बात आ जाती है, लेकिन जब आप किसी से जेलसी या दुश्मनी रखते हो तो ये इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो आपका सारा सेल्फ डिसिप्लिन ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट है एपथी एंड लेजीनेस। अगर आपने किसी लायन या टाइगर को देखा हो तो आप नोटिस करोगे कि ज़्यादातर टाइम वो बस पड़े ही रहते हैं। सिर्फ थोड़ा टाइम जब उनको ज़रूरत होती है तो वो शिकार करते हैं या घूमते हैं, वरना बाकी टाइम वो सोते रहते हैं। हम इंसान भी ऐसे जानवरों की तरह हैं। नेचुरली हमारी बॉडी चाहती है एनर्जी बचाना। आलस बहुत बड़ा रीज़न है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो पाते हो। नेक्स्ट है एंजाइटी एंड रिमोर्स। कई बार हमें एंजाइटी होती है फ्यूचर की। मान लो एक लड़की है जिसको डॉक्टर बनना है, वो जब भी पढ़ने बैठती है तो उसको एंजाइटी होती है और दिमाग में थॉट आता है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। या उसको अफसोस हो सकता है कि इतने दिन वेस्ट कर दिए, अब पढ़ाई करने से भी क्या फ़र्क पड़ेगा। ये एंजाइटी सेल्फ डिसिप्लिन किलर है। और लास्ट है हेजिटेशन डिसबिलीफ एंड अनसर्टेनिटी। अगर आपके अंदर बिलीफ की कमी है तो डिसिप्लिन लाना बहुत मुश्किल होता है। आपको लग सकता है कि जिम जाने का फ़ायदा क्या है अगर मैं लॉन्ग टर्म में उसको मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, या एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना बहुत रिस्की है, मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ऑब्वियसली आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा। तो इन 5 रीजंस का रूट कॉज सिर्फ 2 फोर्सेस हैं, 2 ऐसी शक्तियाँ जो आपकी ज़िंदगी बचपन से लेके अभी तक चला रही हैं, और वो है पेन एंड प्लेजर। अगर आप इनको समझ गए तो आप डिसिप्लिन बन सकते हो। या तो हम पेन को अवॉइड करने के लिए कुछ काम करते हैं, या प्लेजर पाने के लिए। हम जॉब करते हैं गरीब होने के पेन को अवॉइड करने के लिए। हम इंस्टाग्राम देखते हैं फनी मीम्स या अट्रैक्टिव लोगों को देखने के प्लेजर के लिए। लेकिन दुनिया का नियम कुछ ऐसा है कि जो चीज़ शॉर्ट टर्म में प्लेजरेबल होती है वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करती है, जैसे गैम्बलिंग, जंक फूड, पॉर्न एक्सेट्रा। और जो चीज़ शॉर्ट टर्म में पेनफुल होती है वो लॉन्ग टर्म में आपके सारे सपने पूरे कर देती है, जैसे एक बिजनेस बनाना, जिम जाना या पढ़ाई करना। अब अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो अब आप सेल्फ डिसिप्लिन का सीक्रेट समझ पाओगे। इसी पेन एंड प्लेजर साइकिल को यूज़ करके हम अपने आप को डिसिप्लिन बना सकते हैं। आप अगर डिसिप्लिन लोगों की बायोग्राफी या इंटरव्यू देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि वो हमेशा बताते हैं कैसे वो गरीबी से बचने के लिए मेहनत करते थे, या उनके चाइल्डहुड में बहुत पेनफुल अब्यूज़ था जिससे वो भागना चाहते थे। तो अगर एक डिसिप्लिन इंसान, फॉर एग्जांपल जॉको विनिंग जो एक नेवी सील है, अगर वो सुबह में 4 बजे नहीं उठते हैं तो ये उनके लिए बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि ये उनकी आइडेंटिटी के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसे ही किसी दूसरे इंसान को भी लगता है कि अगर वो काम नहीं करेगा या अपने आप को पुश नहीं करेगा तो वो भूखा रह जाएगा, तो उसको मेहनत करनी पड़ती है। प्रॉब्लम आती है नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों को जिनके पास खाना पीना या मकान तो है लेकिन लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन बस काम करने का मन नहीं करता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज मैं आपको देता हूँ। आप एक पेपर लो और इसमें 2 कॉलम बना लो कि डिसिप्लिन हो के क्या पेन आप अवॉइड कर पाओगे और क्या प्लेजर पा पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक ऑनलाइन बिजनेस करना है तो इसको लेके डिसिप्लिन अगर आप होगे तो आप क्या पेन अवॉइड करोगे।
आपका कोई बॉस नहीं रहेगा, आपको ट्रैफिक नहीं झेलना पड़ेगा, आपको कोवर्कर्स की बकवास नहीं सुननी पड़ेगी। अब आप सोचो कि आपको क्या प्लेजर मिलेगा। आप दुनिया भर ट्रैवल कर पाओगे, आप अपने लिए अपनी फैमिली के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ले पाओगे, आपके पास लाइफ में फ्रीडम होगा। अब जितना आप इस पेन को बढ़ाओगे अपने दिमाग में, जितना इस पे फोकस करोगे, उतना डिसिप्लिन रहना आपके लिए आसान होगा। ऐसे ही जो प्लेजर मिलेगा उस पे भी फोकस करोगे तो हो सकता है आपको तुरंत काम करने का मन करने लगे। यही लिस्ट आपको ना डिसिप्लिन होने के लिए भी बनानी होगी। ना डिसिप्लिन होके आप क्या पेन अवॉइड कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, लोग आपका मजाक नहीं उड़ा पाएंगे क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, या आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना होगा क्योंकि आप अगेन कुछ कर नहीं रहे हो। और प्लेजर क्या मिलेगा ना डिसिप्लिन होने का? कि आपको रील्स और यूट्यूब के लिए और टाइम मिलेगा, या आपको सोने के लिए और टाइम मिलेगा। अब इस लिस्ट में आप पेन और प्लेजर को जितना कम कर सकते हो उतना कम आपको करना है। कि ऐसा सोचो कि अरे रील्स और यूट्यूब के लिए टाइम निकालना भी कोई प्लेजर होता है, या क्या लोगों का मजाक उड़ाना इतना पेनफुल है कि मैं अपने गोल्स ना अचीव करूं? मैंने अपने खुद के लिए भी एक ऐसी लिस्ट बनाई थी, लेकिन मैंने इसमें एक और चेंज किया जिससे ये 10 times और पावरफुल बन गई। आप पहले एक टास्क चूज करो जिसमें आपको डिसिप्लिन होना है, और फिर एक बार कैसे भी करके अपना ये काम कर लो। एक बार तो आप कुछ भी कर सकते हो। फिर वो काम करने के बाद आप अपनी यही दोनों लिस्ट पढ़ो और पेन और प्लेजर को पूरे डिटेल में इमेजिनेशन के साथ फील करो। ये करके आप अपने दिमाग में रीइंफोर्स करते हो वही प्लेजर और पेन जो आपको हेल्प करता है ये हैबिट और ऑटोमेटिक बनाने में। एक और चीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, वो है आपका डिसिप्लिन स्टाइल। ऑथर के हिसाब से दो तरह के डिसिप्लिन स्टाइल होते हैं, मॉडरेशन एंड एब्सिनेंस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना बिहेवियर बैलेंस में आसानी से रख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लोग केक का कभी कभार एक बाइट ले लेंगे और छोड़ देंगे। हो सकता है वो महीने में एक बार सिगरेट फूंकते हों या थोड़ी बहुत पार्टी कर लेते हों। और वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अगर एक बाइट लेते हैं केक का तो उनको पूरा केक ख़त्म करना पड़ता है, या वो एक्सट्रीम पार्टी करने वाले या चेन स्मोकर बहुत आसानी से बन जाते हैं। आपको अभी तक अपनी लाइफ में पता चल गया होगा कि आप किस टाइप के इंसान हो। इसी बेसिस पे आपको अपनी हैबिट्स का प्लान बनाना चाहिए। अब अगर यहाँ पे आप गलत चूज करोगे तो आप फिर फेल हो जाओगे और डिसिप्लिन नहीं रह पाओगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉडरेशन वाले हो और आप 75 हार्ड जैसा चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो आप पागल हो जाओगे एंड मोस्ट लाइकली आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आपको अपने डिसिप्लिन को डेवलप करने के लिए ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिसमें आप बैलेंस रख पाओ। लेकिन अगर आप एब्सिनेंस वाले हो तो एक्चुअली में 75 हार्ड आपके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए ये मानना और आसान है कि कोई भी चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है कंपेयर टू कोई चीज़ कभी कभी करनी है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपकी डिसिप्लिन स्टाइल कैसी है। पर्सनली मुझे एब्सिनेंस सबसे ज़्यादा ही सूट करता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और पावरफुल तरीका सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाने का, और वो है अपना टाइम ओरिएंटेशन बदलना। स्टैनफोर्ड प्रोफेसर फिल जिम्बार्डो के हिसाब से लोगों के 3 के टाइम ओरिएंटेशन होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो लोग पास्ट ओरिएंटेड होते हैं वो ऐसी चीज़ें कहते हैं, मैं कभी जिम नहीं जा पाता हूँ, मुझसे हमेशा गलतियाँ होती हैं, अब मेरी उम्र निकल चुकी है। ऐसे लोग कभी सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बन पाते हैं क्योंकि उन्हें कल क्या करना है वो उसके बारे में सोचते ही नहीं है, जो चल रहा है वही चलता रहेगा, ये लोग एक्शन नहीं लेते हैं। फिर होते हैं प्रेजेंट ओरिएंटेड लोग। ये लोग प्रेजेंट मोमेंट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इसमें भी 2 के लोग होते हैं। पहले होते हैं हीडोनिस्ट, जो प्रेजेंट की सारी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये लोग रिस्क पहले लेते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बाद में सोचते हैं। ये योलो वाली मेंटालिटी के लोग होते हैं। दूसरे होते हैं फेटलिस्ट, जिनको अपना प्रेजेंट पसंद नहीं है लेकिन उनके पास और कोई चॉइस भी नहीं होती है, उनको लगता है कि वो अपना फ्यूचर चेंज नहीं कर पाएंगे। इन दोनों में कॉमन ये है कि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाते हैं, जैसे सिगरेट्स, अल्कोहल, गैम्बलिंग, एडवेंचर एट्सेट्रा। लेकिन ये लोग भी सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बना पाते हैं क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन डिसिप्लिन का बिल्कुल ऑपोजिट है। हमें अपना टाइम ओरिएंटेशन फ्यूचर की तरफ रखना चाहिए। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने पास्ट या प्रेजेंट से डिफाइन नहीं होते हैं, ये आगे देखते हैं अपने फ्यूचर की तरफ। ये फिगर आउट करते हैं कि अभी वो क्या एक्शंस ले सकते हैं जिससे वो अपने आइडियल फ्यूचर की तरफ चले जाएं। ये लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज दूंगा जो आपको सेल्फ डिसिप्लिन का मास्टर बना देगी। ये एक्सरसाइज मुझे मिली है हेल्दी गेमर डॉक्टर के से, जिन्होंने खुद ये एक्सरसाइज उपनिषद से निकाली। मेन आइडिया यह है कि डिसिप्लिन एक इमोशन की तरह है। जब आप डिसिप्लिन नहीं होते हो तो आपके अंदर डाउट आता है, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था। डाउट का ऑपोजिट होता है रिजॉल्व, जिसको संकल्प बोलते हैं।
रिजॉल्व भी एक फीलिंग होती है, जैसे हैप्पीनेस या सैडनेस। जितना आप इस फीलिंग को पहचान पाओगे और अपने अंदर बढ़ा पाओगे, उतना आपका डिसिप्लिन बढ़ेगा। पहली चीज है कि आपको नोटिस करना है कि आप कब रिजॉल्व फील करते हो। अगर आपको चॉकलेट की क्रेविंग होती है और आप डिसाइड करते हो कि नहीं, मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा, तो नोटिस करो कि ये कैसा फील होता है। यही फीलिंग है जो डिसिप्लिन के पीछे है। नेक्स्ट प्रैक्टिस है इस रिजॉल्व को बढ़ाने की, कि आपको कोई ऐसी चीज चूज करनी है जो आपके लिए मीडियम डिफिकल्टी हो गिव अप करना। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्मोकिंग एडिक्शन है तो वो बहुत हार्ड डिफिकल्टी हो जाएगी क्विट करना। शुरू करने के लिए कुछ सिंपल चूज करो, जैसे कि मैं 3 महीने के लिए बिस्किट नहीं खाऊंगा। ये चीज़ मीडियम डिफिकल्टी की होनी चाहिए, बहुत आसान भी नहीं, बहुत मुश्किल भी नहीं। फिर हर सुबह आपको अपना रिजॉल्व याद रखना होगा और जितना हो सके उस फीलिंग को बढ़ाना होगा। आपका ये रिजॉल्व आपके अंदर एक आग की तरह होगा जिसको आपको रोज फ्यूल करते रहना है। जितना आप ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे, आप धीरे धीरे नोटिस करोगे कि आप पहचान जाओगे कि डिसिप्लिन फील कैसे होता है, रिजॉल्व फील कैसे होता है। ये एक्सरसाइज आप जितना अपनी लाइफ में करोगे, आप रिजॉल्व की फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, जिसकी वजह से आपका डिसिप्लिन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये एक्सरसाइज जरूर ट्राई करिएगा, ये बहुत पावरफुल है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको जरूर मियामोटो मुसाशी के रूल्स ऑफ डिसिप्लिन भी पसंद आएंगे, जिसको आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।